दोस्तों, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पटना पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि पटना पहुंचते ही उन्होंने आईजीएमएस का दौरा किया है और आईजीएमएस में महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिकरीवाल जो हैं वह भर्ती हैं। बीते दिनों जनार्दन सिंह सिकरीवाल पुलिस की लाठियों से जख्मी हो गए थे, घायल हो गए थे। उसके बाद जो है आईजीएमएस में उन्हें भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा मार्च के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां बरसी थी और उसी दौरान जनार्दन सिंह सिकरीवाल पर भी लाठियां चली और उसके बाद जो है जनार्दन सिंह सिकरीवाल जो है गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। वह हालांकि वह चिल्लाते रहते हैं कि मैं सांसद हूँ, मुझे मत मारो, पर पुलिस कहाँ मानने वाली थी। बिहार पुलिस जमकर उन पर लाठियाँ बरसाई और उसके बाद जो है सियासत कहीं ना कहीं गर्म है। आपके स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही होंगी किस तरह चिराग पासवान जो हैं अपने दलबल के साथ जो हैं आईजीएमएस पहुंचे हैं और वह महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिकरीवाल से मुलाकात कर रहे हैं, उनका हाल चाल जान रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछ रहे हैं। साथ ही साथ चिराग पासवान जैसे ही पटना पहुंचे, पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया और कहा कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से अपने प्रशासन बिहार पुलिस के द्वारा भाजपा के नेताओं पर लाठियां बरसाई हैं वह कहीं ना कहीं दुखद है और उन्होंने नीतीश कुमार को रडार पर लिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जब भी बिहार में कोई आवाज़ उठता है या शिक्षकों का की आवाज़ हो या युवाओं की आवाज़ हो या फिर पढ़ने वाले स्टूडेंट यानी छात्रों की आवाज़ हो, नीतीश कुमार जो हैं लाठी के दम पर इन आवाज़ों को दबाना चाहते हैं और बिहार इसका गवाह रहा है कि जब भी कोई विरोध प्रदर्शन होता है तो नीतीश कुमार की जो प्रशासन है वह लाठी भांजना शुरू कर देती है। आपको बता दें कि उन्होंने नीतीश कुमार को तानाशाह भी बताया और कहा है कि यह तानाशाह की सरकार है और बिहार में जो भी आवाज़ उठता है वह या फिर गरीब का हो, मजदूर का हो, युवा का हो, छात्र का हो या फिर विपक्षी दल का हो, उसे नीतीश कुमार जो हैं दबा देते हैं और दबाने के बाद वह बिहार में जो नाकामी हो रही है, जो भी बिहार सरकार की किरकिरी होती है उसको दबाने की कोशिश लाठी के दम पर किया जाता है। तो चिराग पासवान ने जमकर हमला बोला है नीतीश कुमार पर और साथ ही साथ वह आईजीएमएस पहुंचे हैं। तस्वीरें चल रही होंगी आपके स्क्रीन पर किस तरह चिराग पासवान जो है मिल रहे हैं जनार्दन सिंह सिकरीवाल, बेड पर लेटे हैं और पट्टी उनके माथे पर बनी हुई है। तस्वीरें हृदय विदारक आई हुई थी जिस तरह जनार्दन सिंह सिकरीवाल जो हैं रहम मांग रहे हैं बिहार पुलिस से और वो कह रहे हैं कि मैं सांसद हूं, मुझे मत मारो। और उसके बाद जो है भाजपा भी कहीं ना कहीं उग्र है। आज भाजपा ने धरना भी दिया था, एक दिवसीय धरना था भाजपा का, जहां एक ओर भाजपा के कई कार्यकर्ता जख्मी हुए हैं तो वहीं भाजपा के एक नेता की यानी कि विजय कुमार सिंह की मौत भी हो गई। उसके बाद जो है सियासत कहीं ना कहीं गर्म है। दिल्ली से टीम भी भेजी गई है, 4 सदस्यीय टीम है, उच्च स्तरीय जाँच भाजपा करवा रही है जिसमें बड़ा नाम मनोज तिवारी भी शामिल हैं और साथ ही साथ उनके साथ रांची के पूर्व सीएम रघुवर दास भी जो है शामिल हैं। तो जिस प्रकार भाजपा ने उच्च स्तरीय जांच की मांग करवाई है और साथ ही साथ चिराग पासवान जो हैं वो आईजीएमएस पहुंचे हैं और सिकरीवाल से मुलाकात कर रहे हैं, इसके बारे में आपके क्या विचार है अभी हमारे कमेंट्स में बता सकते हैं। देखते रहता बिहार टॉप, धन्यवाद।